तो सेटअप कुछ ऐसा लगाया, सोचा आज ड्राइव व्लॉग करेंगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज माय लाइफ आई व्लॉग। सो आज कुछ नया है आपके लिए, सो यू कैन सी। आपको पता था बीट तो मैंने सेल ऑफ कर दी है, आई होप आपको पता होगा। नहीं पता था तो इसका मतलब आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया, तो इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, यहीं पर नीचे लिखा हुआ होगा, नहीं तो यू कैन सर्च फॉर माई लाइफ आई व्लॉग इंस्टाग्राम में। सो ये है गाड़ी, तो ये मैंने अभी बाई करी है, सो दिस इज़ ऑल्सो यूज्ड वन। तो आपको पता ही है कि रीज़न क्यों है पुरानी गाड़ी लेने का, वो मैं आपको पहले बता दूँ या बाद में बताऊँ, क्योंकि वही लोग कमेंट करने वाले हैं जैसे लोगों ने कमेंट किया था यार तू ना पुरानी ख़रीदा कर, नहीं कि तेरी औकात नहीं है, पता नहीं क्या 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 क्या। जैसे अगर आप मेरे को फॉलो करते हो चैनल में तो आपको पता है कि पार्किंग का यहाँ थोड़ा बहुत इशू है, तभी बाइक के लिए इशू हो रहा था, तो गाड़ी के लिए तो सोचो कितना है। तो नई गाड़ी ला के यहाँ बहुत रिस्क है, क्योंकि बाहर खड़ी रहती है किसी, क्योंकि ऐसा कुछ फिक्स पार्किंग नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए मैंने सोचा कि आई शुड गो फॉर अ यूज्ड वन। सो ये है स्विफ्ट डिज़ायर, सो ये 2015 मॉडल है। क्या हो गया यहाँ पे, ऑफिस क्यों आ रहे हैं लोग, यहाँ पुलिस वाले खड़े हैं, कुछ लड़ाई हो गई है शायद से। तो ये रहा JCB, द फेमस वन, खोद रहा है हमेशा की तरह। सो कहाँ था मैं, हाँ सो ये है स्विफ्ट डिज़ायर 2015। सो दिस इज़ अ पेट्रोल वर्जन। तो ये मैंने बाय करी है फ्रॉम अ वेबसाइट, वो अभी नहीं बताऊँगा, अगली वीडियो में बनाऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा मैंने कहाँ से बाय करी है, और पर थोड़ा बहुत वी कैन डिस्कस अबाउट दैट पोर्टल कि अच्छा है बुरा है, क्या फीचर्स वो प्रोवाइड करता है। थोड़ा सा स्विफ्ट का पंगा, ये जो रैटलिंग साउंड बहुत है, मतलब ये चेंज मुझे पता चला है फ्रॉम शेवले बीट टू मारुति स्विफ्ट डिज़ायर कि वाइब्रेशंस बहुत हैं, मतलब शांति नहीं रह सकती कभी भी, आपको ऐसा फील नहीं होगा कि बहुत काम है, कुछ ना कुछ नया आवाज़ करना शुरू हो जाएगा हल्का हल्का। सो ये सब मैं चीज़ें ठीक कराऊँगा, ये मैं कराऊँगा डैम्पिंग, क्योंकि इसका OEM म्यूज़िक प्लेयर तो ठीक है, जबरदस्ती हॉर्न बजा रहा है, तो OEM म्यूज़िक प्लेयर मुझे ठीक लगता है, तो इसके साथ मैं डैम्पिंग करा के देखता हूँ कि ये सब ठीक होता है कि नहीं। उसके लिए मैं जाऊँगा शायद मोटर कॉन्सेप्ट में, जो राहुल है जो मुसाफिर, उसकी वीडियोस मैंने देखा है तो मुझे वो सही लगता है, सो आई विल गो देयर। सो वहाँ जाके मैं डैम्पिंग का काम कराऊँगा इसका गाड़ी का पूरा। सो वो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि पहले अभी गाड़ी जस्ट बाय करी है तो खर्चा हुआ है, सो थोड़ा बहुत खर्चा थोड़ा सेटल करने के बाद आई विल गो देयर, क्योंकि डैम्पिंग में सस्ती नहीं होती है आप सबको पता है, ठीक है। तो गाड़ी है ये VXI मॉडल है, मैं जा रहा हूँ की बनवाने के लिए, सो देखते हैं कौन सी की बनवाता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली फ्लिप की बनवाऊँगा, सो तभी आपने टाइटल पढ़ा है, बाकी वहाँ जाके एक बार डिसाइड करेंगे, ठीक है। बाकी गाड़ी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट करना, क्योंकि इस गाड़ी के बारे में और बात अभी आगे होती रहेगी, कुछ ना कुछ काम मैं कराऊँगा। तो अगर इफ़ यू लाइक स्विफ्ट डिज़ायर, अगर आपके पास है भी कोई स्विफ्ट डिज़ायर या स्विफ्ट, सो यू शुड सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ, क्योंकि अभी तो बस स्टार्ट हुआ है। आई होप कैमरा एंगल सही हो, वापस जाते हुए एक बार चेक कर लूँगा कि वीडियो सही आई नहीं आई। चलो हम मिलते हैं सीधा चाबी वाले पे, ठीक है, चाबी वाला द की मेकर। यहाँ पे लोगो चेंज हो जाता है ना इसमें, हाँ इसमें तो लोगो चेंज, जो उसी गाड़ी बनाना होता उसी का लोगो बनाया। तो ये जो है ये मेरी नॉर्मल चाबी है, जिसमें मैंने अमेजोन से ये लेदर कवर मंगा के लगाया था, आई होप दिख रही हो। सो उसमें प्राइजेस समझ लो कि 2000 के अंदर अंदर है तीनों चारों जो ऑप्शन थे, तो लेकिन आई एम गोइंग विद द मारुति वाला, जिसमें इसी की जो यहाँ का जो सेंसर है वो एज इट इज़ लग जाएगा, और मतलब अगर आपके पास सेंसर है तो आपको अभी सस्ता पड़ेगा, लेकिन अगर सेंसर नहीं है तो वो 2000 के अंदर अंदर हो जाएगा एग्जैक्ट प्राइस। और ये जो लोकेशन है बेसिकली अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन, आप अंदर आते हो तो ये उदय होंडा करके इसके बिल्कुल सामने है, यहाँ पे ये अंदर करके शॉप है। चलो बनवाते हैं फिर इसको, चलो
या चाबी बना दी बेसिकली ये जो शेल से सेम यहीं से कॉपी करके, अब इसमें सेंसर का काम होगा बेसिकली। तो अच्छा सारी गाड़ियों के होते हैं आपके पास सेंसर्स ना? सबके और ये सारी मतलब जो बेसिक डिफॉल्ट आती है वो वाली कीज भी होती हैं जो लगी हुई आती है ना, तो ये सारी मारुति के ऊपर दिख रही है। हाँ बिना रिमोट वाली भी है यहाँ पे, ठीक है। अरे भैया सेंसरों को दिक्कत तो नहीं आती ना? नहीं तो सिर्फ चाबी बनती नहीं है, चाबी के बाद कनेक्ट भी करना होता है, तो उसके लिए अभी हम गाड़ी पे जाएंगे और जो सेंसर है उसको कनेक्ट करना होता है। ये गाड़ी कम से वहाँ पे दिख रही है अगर हो तो अभी इसके सेंसर को जाके वहाँ पे गार्ड में लगा के कनेक्ट करना होगा, तभी वो वर्क करेगी। वो इतना ईजी नहीं है चीज़ें। तो भैया की एक बात सही है कि लाइक ये किसी की भी ऐसी चाबी नहीं बना के देंगे, अगर आप चाबी बनवाने आए तो आपको आरसी लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि ये कहीं ऐसा ना हो कि कोई बंदा गाड़ी चोरी वोरी करके, ठीक है, तो चाबी बनवाने आए हो तो सर सबसे पहले कार की आरसी और जिस नाम से आरसी है उस नाम से एक आईडी प्रूफ, अगर आईडी प्रूफ उस नाम से नहीं है बंदा ड्राइवर को भेजता है तो उसको अपने मालिक से बात करानी पड़ेगी। तो सर इसलिए प्रूफ है तो ये की सुविधाएं उपलब्ध है, और कोई भी कार हो, कोई भी कार चाहे ऑडी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू तक भी हो या नीचे से नीचे बाइक भी, डोर की किसी तरह की भी की हो, ऑल की सुविधाएं उपलब्ध है सर। भैया भैया का ये सिर्फ काम नहीं, भैया को इसके अलावा भी नॉलेज है। जैसे ये जो चाबियों की जो हम बात करते हैं हम बोलते हैं सिर्फ कॉपी है, तो भैया बताएंगे कि बेसिकली ये ऐसी नहीं बनी है, कोई कंपनी की डील के बाद वो लोग कॉपी बनाते हैं, तो ये बताना सर। एक एक्स फोर्स और केडी कंपनी है जो ये रिमोट सिस्टम तैयार करती है, और उनके डिवाइस होते हैं जिनसे कॉपी होते हैं, जिनसे प्रोग्राम होते हैं, तो वो रजिस्टर्ड है, सारा कुछ है। तो सर उन्होंने ही ये जैसे ऑडी है, स्कूटा है, टोयोटा है, हुंडई है, ये इन्होंने इस तरह से जैसे मान लो ये हुंडई i20 लाइट वगैरह की चाबी है, लेकिन आप इसको अल्टो में यूज कर सकते हो, आप इसको और किसी भी कार में यूज कर सकते हो, इसको टोयोटा में, टाटा में, हुंडई में, सुजुकी में, इसी तरह सर ये जैसे ये ऑडी की मान लो या बीएमडब्ल्यू की है तो इसको किसी में भी यूज कर सकते हो। तो इसमें बेसिकली लोगो और लगा देते हैं तो ये आपका मारुति की हो जाती है। तो इसमें ये है सर कि इसमें चेंजिंग करके हम किसी में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाली जो मैंने बनवाई है ये मारुति की आती है बेसिकली? ये सर ये स्विफ्ट वाले जो सुजुकी वाले जो हैं, जैसे स्विफ्ट है, जैसे कुछ और है, उन्होंने अभी तक किसी गाड़ी में फ्लिप नहीं दी, स्मार्ट की दी है लेकिन फ्लिप नहीं दी, इसलिए ये उन स्पेशल जो है स्विफ्ट और स्विफ्ट डिजायर उन्हीं के लिए फ्लिप की स्पेशल निकाली गई है, सिर्फ ये सुजुकी में ही चलती है बस, ठीक है। तो किसी को भी चाबी का कुछ बनवाना हो तो भैया का नंबर एड्रेस आपके पास है, एटलीस्ट फोन करके बात कर लो, पैसे वैसे की बात भी दो फोन पे कर लो ताकि। और सर अपना ज्यादा लॉस्ट की का काम है स्पेशल, आपकी गाड़ी जो है एनसीआर में कहीं भी हो, आपकी गाड़ी जो है आप किसी भी परेशानी में खड़े हो, आपका रिमोट काम नहीं कर रहा, कुछ भी है, पूरे एनसीआर में फुल सर्विस है, आपको तुरंत बंदा उधर पहुंचेगा और आपको पूरी हेल्प मिलेगी, चाबी खो जाए, कुछ भी दिक्कत आ जाए लॉक और चाबी के मामले में, चाबी फंस जाए या रिमोट काम ना कर रहा हो, कभी भी आप कॉल करो एनी टाइम अपना सर जो सिस्टम। ये सही है, मतलब ये सर्विस की ऑब्वियसली सबको नीड होती है कि चाबी किसी की खो जाती है तो बाकी, लेकिन वो पेपर वाली चीज का ध्यान रखना आपको कि आपको डॉक्यूमेंट ओरिजिनल अपने पास होने चाहिए। कोई भी स्मार्ट चाबी और चाहे वो एल्टो हो, 800 हो, ऑडियो कोई भी हो, ए टू जेड कोई भी कार हो, कोई भी लोग किसी भी कार में एडजस्ट करा सकता है, ठीक है। तो चाबी बन चुकी है अपनी? हाँ चाबी तो ये लगी हुई कंसी यहाँ पे दिख रही है अगर तो बाकी तो आपने देख ही ली। सो अभी आगे कहीं चलते हैं,
गाड़ी की अभी लुक नहीं दिखाऊंगा, आज गाड़ी धुली भी नहीं है, सो अगली वीडियो का वेट करो प्लीज़, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में आई विल शो एक बार गाड़ी का पूरा वॉक थ्रू ही बोलते हैं क्या, मैं अभी यूट्यूब वीडियो देख के कुछ और वर्ड बोलने लगे हुए, हाँ तो पूरा गाड़ी का एक वॉक थ्रू दिखाऊंगा, ठीक है। सो तब तक के लिए यही वीडियो थी, तो आज चाबी बनवाई है हमने, तो अगर आपको भी चाहिए तो आपके पास नंबर है, और अगर आपकी चाबी कभी कोई गाड़ी की खो जाती है तो उन लोगों की सर्विस है लाइक थ्रू आउट मतलब NCR में, दिल्ली NCR में पूरा, अगर आपकी चाबी खोती है तो वो आपको क्योंकि इनका पूरा ना आई थिंक नेटवर्क है, तो लाइक बहुत सारे लोग ही पूरे कनेक्टेड हैं, सो अगर आपके दिल्ली NCR में कहीं भी गाड़ी की चाबी अंदर रह जाती है, लॉक हो जाती है, चाबी से रिलेटेड लॉक से रिलेटेड कोई भी काम हो, तो आप इनको कॉल करो, नंबर अभी नीचे मैंने डाल भी दिया है, तो इनसे बात करो, ये आपको जल्द से जल्द कोई बंदा अरेंज करेंगे जो आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। सो अगर आपको दिख रहा हो तो ये खालसा जो एक और यहाँ पे इनका चाबियों का, ये उन्हीं की ही मेन शॉप है, मेन ये क्योंकि ये बहुत नियर बाय पड़ती है, ये यहाँ पे अखाड़ा है, ये वाला गुज्जर चौक आया नगर पे अखाड़ा है, तो ये इसके पास अंदर आके शॉप है, तो मेन काम इनका यहाँ पे ही है, बाकी फिर अंदर भी शॉप रखी हुई है क्योंकि ये काम भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो चाहिए अबाउट दिस स्विफ्ट डिज़ायर, एक पूरा वॉक थ्रू, थोड़ा सा म्यूजिक सिस्टम भी अच्छा है, मतलब मेरे को लगा नहीं था कभी कि लाइक OEM म्यूजिक सिस्टम इतना सही होगा, सो तभी मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस है, मैं शायद सिस्टम चेंज ना करूं, पहले मैं करूंगा डैम्पिंग पूरी गाड़ी की, लेफ्ट ले सकते हैं खड़ा क्यों है, सो मेन मैं डैम्पिंग करवाऊँगा, साउंड प्रूफिंग कराऊँगा गाड़ी को पूरा, क्योंकि वैसे भी मारुति बहुत ज़्यादा शोर मचाती है, तो इसलिए पहले साउंड प्रूफिंग का काम होगा, उसके बाद हम करेंगे इसमें म्यूजिक सिस्टम चेंज, जो टच स्क्रीन लगवाएंगे। एंड्रॉयड के मैं इतना सपोर्ट में नहीं हूँ, बाकी आप लोग कमेंट करना कि एंड्रॉयड लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए, मेरा मन है कि मैं सोनी का कोई टच स्क्रीन लगवा लूँ, वैसे तो एंड्रॉयड सस्ता पड़ जाएगा लेकिन फिर भी, या दूसरा मेरे पास ऑप्शन है कि अगर एंड्रॉयड लगवाऊंगा तो आई विल गो विद हाइपरसोनिक। अब आपको समझ आ रहा होगा मैं मुसाफिर के बहुत फॉलो करता हूँ यूट्यूब चैनल, तो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि लाइक वो ठीक है, कभी कभी वो चेंज हो जाते हैं बंदे, जैसे किसी के साथ उसकी बनती नहीं है, कुछ ऐसे डिले विले हो जाता है, पहले किसी को अच्छा बताया बाद में वो, क्योंकि यार कई बार क्या होता है जब हम काम करा रहे होते हैं हमें पता नहीं होता, बाद में जब क्या बोलते हैं ना आफ्टर सेल सर्विस भी मैटर करती है, तो वो मेन इशू करता है। सो मैं समझ सकता हूँ उस बंदे का, और काम बहुत अच्छा कर रहा है मुसाफिर, मुसाफिर ही चैनल का नाम है आई थिंक, मुसाफिर अका राहुल करके शायद, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं रुकूंगा अभी थंबनेल के लिए, लेकिन आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि गाड़ी की लुक के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे ना पूरी अच्छे से शॉट्स लेके, साला गिम्बल लिया हुआ है क्या करेंगे उसे, गिम्बल का यूज़ करेंगे ना, तो अगले वीडियो के लिए वेट करो, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर हो सके तो ये वीडियो को शेयर भी करना, क्योंकि इसमें एक ऐसी सर्विसेज की बात हो रही है बेसिकली, जैसे लॉस्ट की सर्विस, तो लोगों को पता चलना चाहिए कि ऐसे लोग हैं जो आपके लिए थ्रू आउट दिल्ली NCR दे आर अवेलेबल, सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो ऑन योर फेसबुक पेज, और जहाँ पे भी करना है बस शेयर कर देना, ठीक है। और फ्लिपकी का रिस्पांस मैं बताऊँगा, जैसे मैंने अपने लास्ट फ्लिपकी का रिस्पांस बताया था वो इतना अच्छा नहीं रहा, आई होप इसका ऐसा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि गाड़ी का सीन ज़्यादा होता है, कहीं पर अगर अटक गई तो लग जाएगी लंका, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये इसका बारे में बताना, ऑडियो के बारे में बताना, ये नया ट्राई करा है मैंने, क्योंकि ये थोड़ा सेफ़ लगा मुझे, बेटर देन फ़ोन से व्लॉग करना वाइल ड्राइविंग, दिस इज़ वे सेफर आई थिंक सो, बाकी आप लोग कमेंट करके बताओगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, सो आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर कमेंट, ठीक है, चलो बाय बाय। अरे यार अभी नाइट्रोजन डलवाते हैं, तो इसमें मुझे पता नहीं कौन सा टायर में एयर डली हुई है, अभी तक मैंने शायद चेक भी नहीं कराई, तो आज इसमें क्या करते हैं सारे टायर के खाली करा के नाइट्रोजन डलवाते हैं, चलो वो मैं डलवा लूँगा, इतने से के लिए ब्लॉक के करना है, ठीक है, चलो बाय।